ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे बगुलामुखी मंदिर के बारे में। ये बगुलामुखी जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित और देश के लोकप्रिय शक्ति पीठों में से एक है। दतिया का ये जो मंदिर है पीताम्बरा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के दतिया शहर में प्रवेश करते ही पीताम्बरा पीठ है। यहाँ पहले कभी शमशान हुआ करता था लेकिन आज विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। पीताम्बर पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत जिन्हें लोग स्वामी जी महाराज कहकर पुकारते थे उन्होंने 1935 में की थी। श्री स्वामी जी महाराज ने बचपन से संन्यास ग्रहण कर लिया था और वे यहाँ एक स्वतंत्र अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में निवास करते थे तथा स्वामी जी प्रकांड विद्वान और प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत हिंदी में कई किताबें भी लिखी थी। गोलकवासी स्वामी जी महाराज ने इस स्थान पर बगलामुखी देवी और धुमावती माई की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। यहाँ बना वन खंडेश्वर मंदिर महाभारत कालीन मंदिरों में अपना विशेष स्थान रखता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मुकदमा यारी के सिलसिले में माँ पीताम्बरा का अनुष्ठान सफलता दिलाने वाला होता है। भारत में बगुलामुखी तीन ही ऐतिहासिक मंदिर पाए गए, एक तो दतिया मध्य प्रदेश में, एक कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और साजापुर ये फिर मध्य प्रदेश में। दतिया स्थित बगुलामुखी मंदिर पीताम्बरा पीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है और यह मंदिर महाभारत कालीन है। मान्यता है कि आचार्य द्रोणी के पुत्र अश्वत्थामा चिरंजीवी होने के कारण आज भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर के परिसर में भगवान आशुतोष भी बनखंडेश्वर लिंग के रूप में विराजमान है। बगुलामुखी का यह मंदिर देश के लोकप्रिय शक्ति पीठों में से एक है। इसी मंदिर के प्रांगण में माँ धुमावती देवी का मंदिर है जो भारत में भगवती धुमावती का सिर्फ एकमात्र मंदिर है। पीताम्बरा देवी की मूर्ति के हाथों में मुद्गर, पाश, वज्र और शत्रु जिह्वाएं और ये शत्रुओं की जीभ को क्लित कर देती है। मुकदमा यादि में इसका अनुष्ठान सफलता प्राप्त करने वाला जाना जाता है तथा इनकी आराधना करने से साधक को विजय प्राप्त होती है और शत्रु पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। यहाँ के पंडित तो यहाँ तक कहते हैं कि जो राज्य आतंकवाद और नक्सलवाद से प्रभावित है वो माँ पीताम्बरा की साधना और अनुष्ठान कराएं तो उन्हें इस समस्या से निजात मिल जाएगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।